ज्योति मिर्धा की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही में सियासत उफान पर है। कांग्रेस नेताओं में ज्योति को लेकर अलग अलग राय सामने आई है। वहीं हरीश चौधरी ने ज्योति मिर्धा के बीजेपी में जाने पर अपनी ही पार्टी पर उठाए थे सवाल। वहीं मंत्री ममता भूपेश का अलग बयान सामने आया है। ममता भूपेश ने कहा कि ज्योति मिर्धा 5 साल से निष्क्रिय थी, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ज्योति मिर्धा पहली बार बीजेपी ऑफिस आई, कांग्रेस पर प्रहार कर दिए। ये रिपोर्ट देखिएगा। नागौर से कांग्रेस की सांसद रही ज्योति मिर्धा की बीजेपी में एंट्री के बाद से ही कांग्रेस के अंदर जुबानी वार और पलटवार देखने को मिल रहा है। ज्योति मिर्धा के बीजेपी का दामन थामने के बाद कांग्रेस नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा था कि ज्योति मिर्धा क्यों बीजेपी में गई, ये शोध का विषय है। वो क्यों पार्टी छोड़कर गई, इस पर सोचने की आवश्यकता है। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि ज्योति मिर्धा 5 साल नजर नहीं आई, वो पार्टी में निष्क्रिय थी, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव के बाद जाने वाले नेता पछताएंगे। ज्योति मिर्धा जी तो 5 साल से सक्रिय नहीं थी, हमने तो कभी उनको पार्टी के किसी प्रोग्राम में देखा ही नहीं था। उनके अंदर क्या चल रहा होगा लगातार, क्योंकि अगर वो पार्टी के अंदर काम करती तो 5 साल में नजर आती। पार्टी ने बहुत कार्य किए, सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई, हर जिलों के अंदर महत्वपूर्ण कार्य किए, हर जिलों के अंदर विकास की कड़ी से जोड़ा, तो मुझे तो वो नागौर में भी कभी नजर नहीं आई। तो इसलिए ज्योति जी के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, वो निष्क्रिय थी पिछले 5 साल से। उधर बीजेपी में शामिल होने के बाद नागौर से सांसद रही ज्योति मिर्धा पहली बार बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंची। ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस को घेरा और अपने सियासी मंसूबे जता दिए। जलदाय मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि गहलोत सरकार शानदार जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई, ज्योति मिर्धा कभी भी उन योजनाओं का प्रचार करते नहीं दिखे, जबकि कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया। ज्योति मिर्धा के बीजेपी में आगमन को लेकर हनुमान बेनीवाल पहले ही निशाना साध चुके हैं। चुनौती देने की बात ही नहीं है, वो चुनौती में कहीं अड़ेंगे ही नहीं। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज के अंदर बाद में ये बात बोली कि साहब आपने बीजेपी का दामन क्यों थामा था। तो उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि एक परिवार से मेरी राजनीतिक रंजिश थी और उसको हराने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा वोटों की जरूरत थी। इसका मतलब ये है कि पहली बात उनके पास पूरे वोट नहीं है, तो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था सिर्फ मुझे हराने के लिए। कांग्रेस के अंदर नेता खुले में उनकी खिलाफत करने के अंदर आ रहे हैं कि ये जो अंदर खाने जो आप गठबंधन की बातें कर रहे हैं या ठगबंधन की बातें कर रहे हैं, इनको बंद करिए। हम नहीं चाहते कि आप अपना काडर कमजोर करें। तो बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, चाहे वो हमारे सचिन पायलट जी हों, चाहे वो हरीश चौधरी जी हों, चाहे दिव्या मदेरणा जी हों, सारे ओपन में आकर के और कांग्रेस के अंदर भी यही कहने की गठबंधन मत करो। अगर अकेले में हनुमान बेनीवाल आते हैं तो मेरी चुनौती है उनको कि आए और चुनाव लड़े। पार्टी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, अपनी वहां पर अगर आपको अगर दिखाना है कि मैं सक्सेसफुल हूं तो आए और चुनाव लड़े और वही घोड़ा वही मैदान। कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन करने का कारण ईडी और सीबीआई है जो इंडिया बुल्स पे रेड कर चुकी है और इंडिया बुल्स उनके रडार पे, इसलिए ससुराल पक्ष को अपने परिवार को बचाने के लिए जेल जाना थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। राजस्थान के चुनाव अभी घोषित नहीं हुए, लेकिन उससे पहले ही नागौर में सियासी घमासान मच गया है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी के खिलाफ यहाँ की सियासी जमीन पर उतर सकते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।